नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात करी पृथ्वी के रोटेशन और उसके इफेक्ट्स की। आइए अब जानते हैं अर्थ के रिवॉल्यूशन से अर्थ पर होने वाले इफेक्ट्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने समझा कैसे अर्थ की रोटेशन से दिन और रात होते हैं, इसी तरह अर्थ के रिवॉल्यूशन से अर्थ पर डिफरेंट सीजन्स या ऋतुएं होती हैं। आपने बचपन में सुना ही होगा कि अर्थ पर डिफरेंट टाइप के सीजन्स होते हैं, लाइक समर, विंटर, मानसून एक्स्ट्रा। तो आइए जानते हैं कब, कैसे और कौन से सीजन्स होते हैं। तो अभी हमने जाना कि अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगाती है, और हम ये भी जान चुके हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इन दोनों फैक्टर के मिलने से अर्थ पर होते हैं सीजन्स। आइए समझते हैं कैसे। अगर हम एक सिचुएशन लें कि अर्थ अपने एक्सिस पर झुकी ना हो, तो सनलाइट अर्थ के हर पार्ट पर बराबर डिवाइड होगी और पूरी अर्थ पर लगभग एक जैसा मौसम रहेगा। लेकिन अर्थ के झुके होने की वजह से अर्थ का कुछ पार्ट सन के नजदीक आ जाता है तो कुछ पार्ट दूर चला जाता है। और क्योंकि अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगा रही है, तो चक्कर लगाते हुए अलग अलग टाइम पर अर्थ के डिफरेंट पार्ट सन के नजदीक आते हैं और दूर जाते हैं, जिनसे अर्थ पर होते हैं अलग अलग सीजन। आइए कुछ और समझने का प्रयास करते हैं। माना अर्थ अपने चक्कर की शुरुआत इस सिचुएशन से करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा वाला पार्ट सन की तरफ झुका हुआ होता है और सन की परपेंडिकुलर रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं। यह सिचुएशन होती है 22 जून को, और इस समय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले इलाकों के आसपास होता है समर सीजन। और क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीच से होकर भी गुजरती है, तो इस समय इंडिया में भी समर सीजन होता है। यहाँ पर एक चीज और गौर करने योग्य है कि इस समय सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से काफी दूर है, इसलिए कैप्रिकॉर्न के आसपास के देशों में जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में विंटर सीजन होगा। इसी सिचुएशन को, यानी जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन परपेंडिकुलर हो, तो कहते हैं समर सोलिस्टिक। अर्थ फिर राउंड लगाते हुए अगली सिचुएशन पर पहुंचती है, जहां पर सन इक्वेटर पर परपेंडिकुलर होता है, और यह सिचुएशन इक्विनॉक्स या विषुव कहलाती है, जो नॉर्मली 23 सितंबर को होता है, जहां पर इक्वेटर वाला हिस्सा सन की ओर झुका है और सन की रेज इक्वेटर पर परपेंडिकुलर पड़ती है। इस सिचुएशन को कहते हैं इक्विनॉक्स, और इस समय ऑलमोस्ट अर्थ के पूरे भाग पर एक जैसा मौसम होता है। अब अर्थ राउंड लगाते हुए दूसरी सिचुएशन में आती है, जहां पर सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर परपेंडिकुलर होती है, और यह सिचुएशन होती है 22 दिसंबर को, और इसे ही विंटर सोलिस्टिक कहते हैं। इस समय कैप्रिकॉर्न के आसपास के देशों में समर सीजन होता है, जबकि इसके ठीक अपोजिट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इलाकों में विंटर सीजन होता है। अर्थ फिर राउंड लगाते हुए इक्विनॉक्स वाली सिचुएशन पर पहुंचती है, जो होता है 21 मार्च को। इसमें मौसमी दशाएं ठीक वैसी ही होती हैं जैसी 23 सितंबर को होता है, और पूरे साल का चक्कर इन्हीं चार सिचुएशन के बीच पूरा होता है। इस तरह अर्थ पर दो मेन सीजन होते हैं, पहला समर सीजन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले इलाकों में 21 मार्च के बाद से शुरू होकर 23 सितंबर तक चलता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले इलाकों में यही सीजन 23 सितंबर से शुरू होकर 21 मार्च तक चलता है। और दूसरा है विंटर सीजन, जो समर सीजन के ठीक अपोजिट है। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले इलाकों में समर सीजन होता है, तभी कैप्रिकॉर्न वाले इलाकों में विंटर सीजन होता है, और जब कैप्रिकॉर्न पर समर हो, तो तब कैंसर पर विंटर होता है। एक चीज जो ध्यान देने योग्य है, वह है कि इक्वेटर वाले इलाकों में सन साल में दो बार परपेंडिकुलर रहता है, और क्योंकि सन इक्वेटर से ज्यादा दूर नहीं जाता, इसलिए इक्वेटर वाले इलाकों में केवल समर सीजन ही होता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो और भी सीजन के बारे में पढ़ाया गया, तो वो क्या हैं? आइए समझते हैं कि वे सीजन कैसे होते हैं। समर और विंटर के अलावा हम जिन सीजन्स को जानते हैं, वे हैं रेनी सीजन यानी वर्षा ऋतु, स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु, और ऑटमन यानी शरद ऋतु। तो ये तीनों सीजन समर और विंटर सीजन के बीच में ही होते हैं। जैसे रेनी सीजन समर के ठीक आखिरी दिनों में होता है, और समर से ठीक पहले स्प्रिंग होती है, वैसे ही विंटर से पहले ऑटमन होती है। तो ये था ऋतुओं के बारे में। और अगर आपको ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा, तो सिंपली याद कीजिए कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिससे सीजन्स होते हैं। और इस चैप्टर से बाकी जुड़े नोट्स के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप, जहां आप अपने डाउट्स भी डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। अब बारी है आज के क्वेश्चन ऑफ द वीडियो की। आज का क्वेश्चन है ये, और इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और बाकी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो नीचे सब्सक्राइब बटन को हिट करके रेड से ब्लैक कर दीजिए, और जाते जाते लाइक वाला बटन भी दबा ही दीजिए। इसी के साथ वीडियो आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।